तो देश आजादी के जश्न में डूबा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर ध्वजारोहण किया। अपने संबोधन में पीएम ने कहा कि 2047 तक देश को विकसित बनाना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2047 में जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, उस वक्त दुनिया में भारत का तिरंगा, विकसित भारत का तिरंगा होना चाहिए। और पीएम मोदी ने 77वें स्वतंत्रता दिवस पर कहा कि लगातार भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होती जा रही है। पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण को लेकर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने इस दौरान सरकार की कई योजनाओं का भी जिक्र किया, जिसके बूते देश की जनता के जीवन में बदलाव हुआ है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि आने वाले वक्त में विश्वकर्मा जयंती पर एक नई योजना लॉन्च होगी, जो कि कामगारों के लिए बड़ी ही मददगार साबित होगी। इसके साथ ही पीएम मोदी ने 2024 में बीजेपी सरकार बनने का भी दावा किया और कहा कि अगली बार इसी लाल किले पर अधिक आत्मविश्वास के साथ मैं आऊंगा। तीन बुराइयों से लड़ना बहुत समय की मांग है। हमारे देश की सारी समस्याओं की जड़ में भ्रष्टाचार में दीमक की तरह देश की सारी व्यवस्थाओं को, देश के सामर्थ्य को पूरी तरह नोच लिया। भ्रष्टाचार से मुक्ति, भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग हर इकाई में, हर क्षेत्र में। और मैं देशवासियों, मेरे प्रिय परिवारजनों, ये मोदी के जीवन का कमिटमेंट है, ये मेरे अंतर्गत व्यक्तित्व का एक कमिटमेंट है कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता रहूंगा। दूसरा, हमारे देश को नोच लिया है परिवारवाद। इस परिवार में, जो परिवारवाद है, देश को जिस प्रकार से जकड़ के रखा है, उसने देश के लोगों का हक छीना है। और तीसरी बुराई तुष्टीकरण की है। ये तुष्टीकरण में भी देश के मूलभूत चिंतन को, देश के सर्व समाज वैसा हमारे राष्ट्रीय चरित्र को दाग लगा दिए, तहस तहस कर दिया है। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, इसलिए मेरे प्यारे परिवारजनों, हमें इन तीन बुराइयों के खिलाफ पूरे सामर्थ्य के साथ लड़ना है। भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण। आने वाले दिनों में, आने वाली विश्वकर्मा जयंती पर एक कार्यक्रम हम और लागू करेंगे। इस विश्वकर्मा जयंती पर हम करीब 13-15 हजार करोड़ रुपया से, जो परंपरागत कौशल्य से रहने वाले लोग, जो औजार से हो और अपने हाथ से काम करने वाला वर्ग है, ज्यादातर ओबीसी समुदाय से, हमारे सुथार हो, हमारे सोनार हो, हमारे राजमिस्त्री हो, हमारे कपड़े धोने वाले काम करने वाले लोग हो, हमारे बाल काटने वाले भाई बहन परिवार हो, ऐसे लोगों एक नई ताकत देने के लिए हम आने वाले महीने में विश्वकर्मा जयंती पर विश्वकर्मा योजना लॉन्च करेंगे और करीब 13-15 हजार करोड़ से उसका प्रारंभ करेंगे। जब हम 2014 में आए तो हम वैश्विक अर्थव्यवस्था में 10वें नंबर पर, और आज 140 करोड़ देशवासियों का पुरुषार्थ रंग लाया है कि हम विश्व की अर्थव्यवस्था में 5वें नंबर पर पहुंच चुके हैं। और ये ऐसे ही नहीं हुआ, जब भ्रष्टाचार का राक्षस देश को दबोचे हुए थे, लाखों करोड़ के घोटाले अर्थव्यवस्था को डामाडोल कर रहे थे, गवर्नेंस फ्रेजाइल फाइल में देश की पहचान होने लगी थी, लीकेजेस को हमने बंद किया, मजबूत अर्थव्यवस्था बनाई, हमने गरीब कल्याण के लिए ज्यादा से ज्यादा धन खर्चने का प्रयास किया। और आज मैं देशवासियों को बताना चाहता हूं कि जब देश आर्थिक रूप से समृद्ध होता है तो सिर्फ तिजोरी नहीं बढ़ती है, देश का सामर्थ्य बढ़ता है, देशवासियों का सामर्थ्य बढ़ता है।
और तिजोरी का पाई पाई अगर ईमानदारी से जनता जनार्दन के लिए खर्च करने का संकल्प लेने वाली सरकार हो तो परिणाम के साथ मैं 10 साल का हिसाब तिरंगे की साक्षी में लाल किले की प्राचीर से मेरे देशवासियों को दे रहा हूं। आंकड़े देख करके आपको लगेगा इतना बड़ा बदलाव, इतना बड़ा सामर्थ्य। 10 साल पहले राज्यों को 30 लाख करोड़ रुपए भारत सरकार की तरफ से जाते थे, पिछले 9 साल में यह आंकड़ा 100 लाख करोड़ पर पहुंचा। पहले स्थानीय निकाय के विकास के लिए भारत सरकार के खजाने से 70,000 करोड़ रुपए जाता था, आज वो 3 लाख करोड़ से भी ज्यादा जा रहा है। पहले गरीबों के घर बनाने के लिए 90,000 करोड़ रुपया खर्च होता था, आज वो 4 गुना होकर के 4 लाख करोड़ से भी ज्यादा खर्च गरीबों के घर बनाने के हो रहा है। पहले गरीबों को यूरिया सस्ता मिले, जो यूरिया की बैग दुनिया के कुछ बाजारों में 3,000 में बिकती है, वो यूरिया की बैग मेरे किसानों को 300 में मिले, और इसलिए देश की सरकार 10 लाख करोड़ रुपया मेरे किसानों की यूरिया में सब्सिडी दे रहा है। मुद्रा योजना 20 लाख करोड़ रुपये, उससे भी ज्यादा मेरे देश के नौजवानों को स्वरोजगार के लिए, अपने व्यवसाय के लिए, अपने कारोबार के लिए दिए हैं। 8 करोड़ लोगों ने नया कारोबार शुरू किया है, और 8 करोड़ लोगों ने कारोबार शुरू किया है तो नहीं, हर कारोबारी ने एक या दो लोगों को रोजगार दिया है। 8 से 10 करोड़ नए लोगों को रोजगार देने का सामर्थ्य ये मुद्रा योजना से लाभ लेने वाले 8 करोड़ नागरिक को करा। एमएसएमई को करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए की मदद से कोरोना के संकट में भी उनको डूबने नहीं दिया, मरने नहीं दिया, उनको एक ताकत दी है। वन रैंक वन पेंशन मेरे देश के सेना के जवानों का एक सम्मान का विषय था। 70,000 करोड़ रुपया भारत की तिजोरी से आज पहुंचा है, मेरे निवृत्त सेना के नायकों के जेब में, उनके परिवार में पहुंचा है। तो जश्न आजादी की हर तस्वीर आपको दिखाते रहेंगे। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।